अरे बेटा, सेटल कब हो रहे हो? यंग लोगों से सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है, और इसके बाद क्या पूछा जाता है? सोचिए सोचिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बेटा, खुशखबरी कब सुना रहे हो? है ना, किसी भी कपल से बच्चे की उम्मीद रखना या उस कपल का बच्चा पैदा करना किसी शुभचिंतक के लिए इतना जरूरी मसला क्यों होता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया है। परिवार वालों की एक्साइटमेंट फिर भी मैं समझ सकती हूँ कि भाई घर में बच्चे आएंगे, रौनक आएगी, उनको खिलाने पिलाने में, पालने में मजा आएगा, खुशी मिलेगी, मगर रिश्तेदार और आसपास के लोग ये सवाल क्यों और किस मुंह से करते हैं, किस अधिकार से करते हैं, मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ। वैसे बच्चों की एक्सपेक्टेशन अपने घर की बहू बेटियों से लोग करते हैं तो फिर भी समझ आता है। वैसे भी बहू बेटियों की अपनी चॉइस या डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी हो सकती है, इस बात में हम एज अ सोसाइटी यकीन नहीं रखते हैं, जस्ट नॉट आवर थिंग। लेकिन मजा तो तब आता है जब हम लोग बुआ, नानी, दादी, मौसी बनकर हीरोइनों के जीवन में घुसने लगते हैं। जहां किसी शादीशुदा महिला का थोड़ा पेट दिख गया या उसने वेट गेन कर लिया तो आप ये मान बैठते हैं कि वो प्रेग्नेंट ही होगी। न जान न पहचान आप बेधड़क पूछने लगते हैं कि डेट कब की है। और ये सिर्फ कहानी घर घर की नहीं है, ये हाल सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम तक पहुंचा हुआ है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, ऐसे सवाल सिर्फ आपकी और मेरी तरह की लड़कियों को ही नहीं बल्कि सेलेब्स को भी सुनने पड़ते हैं। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का स्पेशल शो म्याऊं। और आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं खुशखबरी की एक्सपेक्टेशन यानी प्रेगनेंसी पर। अपनी मम्मी की भाषा में कहूं, हर रोज की तरह कल रात भी मैं इंस्टाग्राम पर अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर रही थी। एक फोटो अपलोड करने के बाद स्क्रॉल कर रही थी, मुझे वहां शिबानी दांडेकर का एक वीडियो दिखा जिसमें वो क्लैरिफाई कर रही हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। पहले इसका बैकग्राउंड समझा देती हूँ। हाल ही में टीवी एक्ट्रेस शिबानी दांडेकर ने एक्टर और फिल्म मेकर फरहान अख्तर से शादी की। शिबानी की कुछ फोटोज में लोगों को काल्पनिक बेबी बंप दिखा, मतलब वो था नहीं बट लोगों ने इमेजिन कर लिया। सबको जिज्ञासा हो गई, सब कमेंट ठेल कर पूछने लगे, प्रेग्नेंट हो क्या, डेट कब की है, खुशखबरी कब सुना रही हो। लोगों ने यह भी कहा कि शिबानी और फरहान ने आनन फानन में शादी की क्योंकि असल में वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और ये कोई दो चार लोगों के सवाल नहीं थे, ढेर सारे लोगों ने यह सवाल किया कि शिबानी को उन्हें जवाब देना ही पड़ा। उन्होंने कहा, मैं एक महिला हूं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, और ये जो आप बेबी बंप देख रहे हो ये बेबी बंप नहीं टकीला का असर है। जिसका मतलब ये था कि उन्होंने टकीला पी ली जिसकी वजह से ब्लोटिंग हो गई और टमी नजर आने लगा। खैर, शिबानी पहली नहीं है जिनसे इस तरह के सवाल किए गए। कुछ दिन पहले बड़े अच्छे लगते हैं एक शो है, उसकी सीजन 2 की एक्ट्रेस दिशा परमार से भी इसी तरह के सवाल किए गए थे। अपने पार्टनर राहुल वैद्य के साथ वो कई दिनों बाद डिनर करने बाहर निकली। दिशा ने ओवरसाइज ऑरेंज टी शर्ट पहनी थी और इतने से ही गॉसिप करने वालों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि जरूर वो प्रेग्नेंट है, नहीं तो इतना लूज कपड़े क्यों पहनती, उन्होंने इतने ओवरसाइज शर्ट क्यों पहनी। इन रूमर्स के जवाब में दिशा ने लिखा, दोबारा कभी ओवरसाइज शर्ट नहीं पहनूंगी। जो सवाल पूछ रहे हैं या जानना चाहते हैं वो सुन ले, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। साल 2018 की बात है, बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर ने वैलेंटाइन डे पर फोटो डाली। बिपाशा ने रेड कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, यानी वो ड्रेस जो शरीर से चिपकी हुई होती है वो पहनी हुई थी, और उसके साथ एक रेड स्लिंग बैग लिया हुआ था। अब चूंकि वो बैग उनके पेट पर था तो लोगों ने मान लिया कि ऐसा उन्होंने अपना बेबी बम्प छिपाने के लिए किया है। कुछ दिन बाद बिपाशा की एक और तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो कार में बैठी थी और उनके पेट पर बैग था। वही सवालों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ और आलम यह हुआ कि बिपाशा ने ट्विटर पर इसका जवाब दिया। उन्होंने लिखा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। बार बार आप प्रेगनेंसी को लेकर जो सवाल करते हैं वो बहुत इरिटेटिंग है। यकीन मानिए, अगर मैं कोई नया बैग खरीदूंगी और वो बहुत ही सुंदर सा स्टाइलिश सा होगा तो मैं भी उसको पूरा शो ऑफ करूंगी ऐसे करके, और उसका ये मतलब नहीं होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एनीवे, ऐसे ही सवाल फैमिली मैन 2 के कारण हिंदी बेल्ट में चर्चा में आई थी एक्ट्रेस समांथा, उनसे भी किया गया था। सोशल मीडिया पर वो काफ़ी इंटरैक्टिव हैं, फैन से सवाल जवाब और लाइव सेशंस करती रहती हैं। तो उनके एक यूज़र ने प्रेगनेंसी के बारे में ही उनसे सवाल कर डाला। समाधा ने जवाब देते हुए कहा, जो लोग मेरी बॉडी की फंक्शनिंग में इंटरेस्टेड हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं 2017 से प्रेग्नेंट हूं, बस बच्चा बाहर नहीं आना चाह रहा है। जाहिर है ये बात उन्होंने तंज में कही थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन भाभी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्ट्री जब कुछ दिन शो में नहीं दिखी तो लोग उन्हें टैग करने लगे, मैसेज करके पूछने लगे कि क्या वो प्रेग्नेंट है।
जेनिफर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके जवाब दिया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, उनके पैर में तकलीफ थी और उनके लिए चलना मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से उन्हें ब्रेक लेना पड़ा था। अनीता हसनंदानी की शादी के जस्ट बाद उनकी प्रेगनेंसी से जुड़े रूमर्स उड़े थे। उनका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था, गुड न्यूज़ ये है कि मैं डाइट पर नहीं हूँ, पिज्ज़ा और आइसक्रीम खा रही हूँ और मेरे ग्लो की वजह यह है कि अपने पति के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में एंजॉय कर रही हूँ और जब भी मैं एक्सपेक्ट कर रही होंगी, यानी जब मैं माँ बनने वाली होंगी, तो आपको ज़रूर बताऊंगी। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जब लड़कियों से ऐसे सवाल किए गए हैं। थोड़ा सा टमी दिखने या फिर देसी भाषा में कहें तो टोन दिखने पर, उनका वेट गेन करने पर या चेहरे पर सो कॉल्ड ग्लो दिखने पर सीधे प्रेगनेंसी से जुड़े सवाल दाग दिए जाते हैं। तमाम निजी मसलों में से की तरह ही प्रेगनेंसी भी किसी कपल का निजी मसला हो सकता है। हालांकि अब बात इतनी आगे आ चुकी है, इंस्टाग्राम के इस दौर में हम किसी को निजी मसले पर ज्ञान नहीं ही दे सकते, लेकिन मैं बताने के लिए बता दूं कि अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और उन्हें ये बात बतानी होगी तो वो खुद बता देंगे। सोशल मीडिया पर भी आजकल लगभग हर सेलेब बेबी बम को एम्ब्रेस करते हुए फोटो पोस्ट करते हैं और ये बॉडी पॉजिटिविटी यानी अपने शरीर को लेकर पॉजिटिव रहना या कॉन्फिडेंट फील करने की तरफ एक अच्छा कदम है। वो पब्लिक फिगर्स हैं, वो अपनी प्रेगनेंसी आपसे क्यों छुपाएंगे और आपको वहाँ घुस कर कौन सी ऐसी स्टोरी मिल जाएगी। तो आपको अब सिग्नल्स लेने की या इनकी ज़िंदगी में घुसकर अलग अलग तरीके से प्रेगनेंसी के बारे में सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये सवाल किसी के लिए दुखदायी भी हो सकते हैं, मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हो सकता है वो बेबी के लिए ट्राई कर रहे हों और किसी मेडिकल समस्या से जूझ रहे हों। ऐसे में आपका ये सवाल जले पर नमक छिड़कने जैसा ही होता है। मान लीजिए कि आप धड़ाधड़ गए और किसी से आपने पूछ लिया, शादी को 9 साल हो गए, अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। हो सकता है ये सवाल उन्हें हर्ट कर जाए, क्योंकि हो सकता है वो लोग ट्राई कर रहे हों लेकिन नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि भाई मैं आपकी राइट टू स्पीच पर कुछ बोलूँ या आपकी मॉरल पुलिसिंग की तरफ मैं इशारा करूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नितांत निजी होती हैं। उनसे जुड़े सवाल करना, भले ही आप अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो, सामने वाले को असहज करता है, अनकंफर्टेबल करता है और खासकर ऐसे सवाल लड़कियों को परेशान करते हैं। अगर आप भले इंसान हैं तो आई एम श्योर आप डस्सू नहीं साउंड करना चाहते होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि म्याऊं में अलग अलग केसेस और एग्जांपल्स की मदद से आपको ये बात कन्वे कर दूँ। क्या राय है आपकी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई मसला है जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कल आपसे फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, आप तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।